डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। थोड़ी देर बाद आप यूटिलिटी के टॉपिक पे एक लेक्चर सुनेंगे, तो हमें लगा कि आप जब सिलेबस में देखेंगे वहां पे डायरेक्टली यूटिलिटी का कोई टॉपिक आप नहीं देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं है, तो हमने शायद ये नहीं पढ़ना था। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो आपकी डिमांड कर्व है, डिमांड एनालिसिस है, और पर्टिकुलरली जो इंडिफरेंस का एनालिसिस है, यानी कि जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक्स, उन सब टॉपिक्स की जो बुनियाद है वो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। खास तौर पर जो मार्जिनल यूटिलिटी का आप एक टाइप देखेंगे यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी, तो उस पे ये सब कॉन्सेप्ट जो है, टॉपिक्स जो है, उनकी बुनियाद है। तो अनलेस एंड अनटिल हम यूटिलिटी का सब्जेक्ट समझे, हमारे लिए ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं कि हम जो है डिमांड एनालिसिस करें या फिर इंडिफरेंस को के टॉपिक को समझ पाए। तो इसलिए आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप खुद को परेशान नहीं करेंगे टॉपिक जो जब शुरू हो जाएगा कि शायद ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ना था, नहीं समझना था। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझिए, क्योंकि ये समझने के बाद आप जो है डिमांड कर्व, डिमांड एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। आगे वाले जो टॉपिक्स है वो आपके लिए इस टॉपिक के समझने से आसान होंगे। काफी कंपटीशन का माहौल है, इसलिए कामयाब होने के लिए हम सबको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करना है जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। लेट अस ट्राई टू डू दैट। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करते हैं उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। जो मुख्तलिफ थियोरीज हम जिनके बारे में अभी बात करेंगे, जो हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, उन सब में एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है वो मौजूद होता है। अब देखिए ये यूटिलिटी क्या है। देखिए जब आप किसी चीज की कंजप्शन करते हैं तो आपका ये मकसद होता है कि आप अपनी कोई जरूरत, अपनी कोई चाहत या वांट जो है आप वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो यूटिलिटी हम डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी एक्चुअली मीन्स सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव बाय द कंजप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां से जो आपको सेटिस्फैक्शन हासिल होती है तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। कभी हम ये भी कहते हैं कि यूटिलिटी इज एक्चुअली द सेंस ऑफ यूजफुलनेस रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट। यानी कि किसी चीज के बारे में जो आपको ये एहसास होता है कि ये कितना कारामद है आपके लिए, तो इसको भी हम यूटिलिटी कहते हैं। और कभी कभार हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी एक्चुअली मीन्स द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि एक प्रोडक्ट में वो ताकत, वो हैसियत की वो आपकी वांट जो है वो सेटिस्फाई करे, तो उस ताकत को, उस हैसियत को जो है हम यूटिलिटी कहते हैं। अब देखिए ये जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है इसके दो स्ट्रीम्स है, यानी कि इसके दो टाइप्स हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। बुनियादी तौर पर जो पहले इकोनॉमिस्ट्स थे वो ये समझते थे कि यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ चीजों की मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर्स में, लीटर्स में, केजीज में, या दूसरे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, तो इसी तरह यूटिलिटी भी एक ऐसी चीज है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उस टाइप के कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है या यूटिलिटी का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये तसव्वुर करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। तो अभी अगर आप कोई चीज कंज्यूम करेंगे, सपोजिंग आप एक एप्पल खाते हैं, राइट? तो अगर आप ये बता सकेंगे कि इससे आपको कितने यूनिट्स सेटिस्फैक्शन हासिल हुई, यानी कि आप इसको मेजर कर पाएंगे, जैसे कि आप कहेंगे कि 5 यूनिट्स
जो है मुझे सेटिस्फैक्शन हासिल हुई, तो एट दैट टाइम हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने जो है इस यूटिलिटी का यूनिट भी, मेजरमेंट भी, उसका भी नाम एक रखा था यूटिल। सो दे यूज टू से यूटिलिटी कैन बी, वो कहते थे कि यूटिलिटी हम यूटिलिज्म में मेजर करेंगे। तो हम यहां पे कहेंगे कि एक एप्पल खाने से आपको 5 यूटिलिटी हासिल हुई। जैसे कि आप दुकान पे जाएंगे तो कोई चीज लाएंगे तो आप कुछ केजीज लाएंगे, कुछ मीटर्स लाएंगे, कुछ लीटर्स लाएंगे। तो इसी तरह जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो आपको जो यूटिलिटी उससे हासिल होगी तो उसको हम यूटिलिज्म में मेजर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम अब यूटिलिटी कार्डिनल कंसेप्ट जो है वो तस्लीम करेंगे तो ये पॉसिबल है कि हम मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं तो हम बता सकेंगे कि किस के जरिए से हमें कितने यूटिलिज जो सेटिस्फैक्शन है वो हासिल हुई, कितने यूटिलिज की यूटिलिटी हमें हासिल हुई। तो आप जो है कंपैरिजन कर पाएंगे, जैसे कि आप कंपैरिजन करते हैं जो भी मेजरमेंट्स हम यूज करते हैं केजीज में, लीटर्स में, मीटर्स में, तो आप वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फिर आप यहां भी जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, यानी कि जो आप सेटिस्फैक्शन हासिल करते हैं प्रोडक्ट्स के कंजप्शन से, यूज से, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बाद वाले जो इकोनॉमिस्ट्स आ गए उन्होंने ये कहा कि देखिए यूटिलिटी जो है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, यानी कि मैं एक एप्पल खाता हूं तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन हासिल होगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरा बंदा जो वही वो एप्पल खाएगा तो उसको भी उतनी यूटिलिटी हासिल होगी, उसको भी उतनी सेटिस्फैक्शन हासिल होगी। क्योंकि यूटिलिटी जो है ये क्वांटिफिएबल नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी कि ये एक इंसान के जहन में होने वाली चीज है, ये आपके अंदर एक एहसास है। इसलिए एक एहसास को जो है इसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी भी बुनियादी तौर पर एक मेजरमेंट है, लेकिन ये इससे मुख्तलिफ किस्म का मेजरमेंट है। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई मेजरमेंट नहीं है, यहां भी एक मेजरमेंट है, लेकिन जिस तरीके का एब्सोल्यूट मेजरमेंट हम यहां पाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में, और फिर आप एब्सोल्यूटली कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक बंदा कहेगा कि मुझे 3 यूटिलिटी हासिल हुई मैंने जो एप्पल खाया, दूसरा कहेगा 5 यूटिलिज हासिल हुई, तो कंपैरिजन तो आपके सामने है, आप कहेंगे कि इसको ज्यादा 2 यूटिलिज ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई। लेकिन ये वाले जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी स्कूल जो है वो ये चीज नहीं मानते, वो कहते हैं कि देखिए हम रैंक कर सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई, इससे कम यूटिलिटी हासिल हुई, लेकिन हम इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं दे सकते। वो तो वो कुछ ऐसा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है, राइट, और फिर प्रोडक्ट बी है, तो वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि हम कह सकते हैं कि हमें इससे जो है ज्यादा, ए से ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई एज कंपेयर टू बी, तो हम इनको रैंक कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट कहेंगे तो इसको हम सेकंड कहेंगे, और कोई और चीज हो सकती है उसको हम थर्ड कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का यूटिलिटी एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो कार्डिनल स्कूल ने दिया था वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी जो है इसको तो महसूस किया जा सकता है लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। और उस एहसास की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज से मुझे ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई एज कंपेयर टू एनी अदर जो है प्रोडक्ट, तो हम एक रैंक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, या ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, रैंक और ऑर्डर मीन्स कि जब आप चीजों को तरतीब दे सकें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दैट, लेकिन विदाउट स्पेसिफाइंग कि इनके दरमियान कितनी गैप है या इनका जाती वैल्यू कितना है। तो ये कहने के बगैर अगर आप कहेंगे तो फिर हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्डिनल बन जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी, ये अब ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि आप भी ये समझ सकते हैं कि यूटिलिटी का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट लाइक वेट
किसी चीज़ का वेट है, जैसे कि आप वेजिटेबल्स लाएंगे या फिर दूध लाएंगे तो उसको लीटर्स में हम मेजर करेंगे, या आप कपड़ा लाएंगे उसको मीटर में मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी कुछ ऐसी चीज़ तो है ही नहीं, कोई फिजिकल टाइप की चीज़ है ही नहीं। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके साथ हो सकता है कि इसको हम रैंक कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल स्कूल बिलीव्स के इसको एब्सोल्युटली मेजर किया जा सकता है, ऑर्डिनल स्कूल बिलीव्स कि इसको रैंक किया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन एब्सोल्युट मेजरमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जब एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, तो उसको आप यूटिलिटी कहेंगे। तो आपने एक प्रोडक्ट का एक यूनिट यूज किया, आपको यूटिलिटी हासिल हो जाएगी। आपने फिर दूसरा यूनिट उसी प्रोडक्ट का यूज किया तो आपको फिर यूटिलिटी हासिल होगी। तो इसी तरह जो आप प्रोडक्ट के मुख्तलिफ यूनिट्स यूज करते रहेंगे तो आपको यूटिलिटी हासिल होती रहेगी, या शायद कम भी होती होगी, या फिर इसका जीरो भी वैल्यू हो सकता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे कहने का यहां मतलब ये है कि एक यूनिट जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारी यूटिलिटी में जो है चेंज आता है, ओवरऑल जो हमारी यूटिलिटी होती है उसमें चेंज आता है। तो अभी आप अगर आप एक यूनिट ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल आप यूज करेंगे, सो यू आर यूजिंग वन यूनिट ऑफ एक्स, ओके, तो इससे आपकी यूटिलिटी में सपोजिंग इजाफा होगा, चेंज इन यूटिलिटी। तो टोटल जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, एक यूनिट एक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, लेट इट बी एप्पल और बनाना और एनी अदर थिंग, फॉर एग्जांपल योर शूज और अ मार्कर पेन और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप एक यूनिट जब यूज करेंगे तो इसकी वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा यूटिलिटी में, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप चेंज करेंगे इन द कंजप्शन ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट इसमें इजाफा करेंगे, तो इसकी वजह से जो यूटिलिटी में चेंज आएगा तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोटल यूटिलिटी, मैं मार्जिनल यूटिलिटी से ही यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम जो जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम उनको इंडिविजुअल यूनिट्स में यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए समझना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट, तो पहला यूनिट जब आपने यूज किया तो आपकी उस यूनिट से जो आप में यूटिलिटी पैदा हो जाएगी, जो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होगी, सपोजिंग चूंकि अभी हम कार्डिनल कंसेप्ट में है तो उसका वैल्यू हम 10 यूटिलिज मान लें। जैसा कि आप अभी आपको भूख लगी है तो आपने मान लीजिए एक सेब खाया या एक केला खाया, या आप प्यासे हैं तो आपको एक गिलास वाटर मिल गई, तो उससे जो है आपको 10 यूटिलिज सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। लेकिन जब आप दूसरा यूनिट उसी कमोडिटी का यूज करेंगे, तो इससे पहले तो आप भूखे थे, अब आपकी थोड़ी बहुत या कुछ भूख जो है वो खत्म हो गई, अब आप जब दूसरा यूनिट यूज करेंगे तो उस दूसरे यूनिट का उतना वैल्यू आपके लिए नहीं होगा, उससे उतनी सेटिस्फेक्शन आपको हासिल नहीं होगी जितनी कि आपको पहले यूनिट से हासिल होती थी। फाइन, तो क्या होता है इसलिए कि उस दूसरे यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है यूटिलिटी में वो पहले यूनिट से कम होता है, राइट। तो दूसरा यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपको 8 यूटिलिज यूटिलिटी हासिल हुई। सिमिलरली तीसरा यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो फिर यूटिलिटी में कमी पैदा हो गई, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आगे जितना आप बढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होता जाएगा। अब देखिए, आपने अपनी जिंदगी में भी ये तजुर्बा किया होगा कि आप जब काफी खाते हैं फॉर एग्जांपल कोई चीज, तो फिर लास्ट में अगर आपको, आप तो वो खरीद के यूजुअली खाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कुछ केले खाए और आपको ये लगा कि जी मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं चाहिए, तो आप कोई आपको फ्री में केला देता है, तो यह हो सकता है कि आप मजबूर होके या ना चाहते हुए भी आप उसको खाए, राइट, तो यह भी हो सकता है। तो एट दैट टाइम जो है आपकी यूटिलिटी जो है वो जीरो के करीब आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जब ये प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, हालांकि आपको कोई रगबत नहीं थी ये कंज्यूम करने की, तो
इससे आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई इजाफा नहीं होगा। जब सेटिस्फेक्शन में इजाफा नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो खाना ना खाना यूटिलिटी के एतबार से, यूटिलिटी के हिसाब से एक ही बात है। तो उस प्रोडक्ट की, उस यूनिट की जो यूटिलिटी होगी आपके लिए, यानी जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, वो कितनी होगी? वो जीरो होगी। तो फिर आपने ये भी तजुर्बा किया होगा कि कभी कभार क्या होता कि आपको अगर कोई मुफ्त में भी खिलाए तो आप नहीं खाते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि जी मुझे इससे तकलीफ होगी, मुझे तो ऑलरेडी मेरा पेट भरा हुआ है, तो आई वोंट लाइक टू ईट एनी मोर। तो कभी कभार क्या होता है कि सपोजिंग आपको कोई पैसे दे इस सिचुएशन में, भाई मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, 100 रुपया देता हूँ, 1000 रुपया देता हूँ, तो आप ये खा ले, एक शर्त लगाते हैं, तो आप खाते हैं उस वक्त, तो यहां से पैसे नहीं देते हैं, वहां से ही आपको पैसे मिलते हैं खाने, किसी कोई चीज खाने के लिए। वजह क्या होती है? क्योंकि वो यूनिट खाने में बुनियादी तौर पर आपको जो है तकलीफ होती है, उससे आप में डिसयूटिलिटी होती है, तो उस प्रोडक्ट के, सॉरी उस यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी आपके लिए, वो नेगेटिव में होगी, जो आप मजबूरी की वजह से या किसी और लालच की वजह से जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसकी सेटिस्फेक्शन की वजह से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। सो एट दैट टाइम आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए जो है वो नेगेटिव होगी। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप आगे जाके भी स्टडी करेंगे, ये आपकी थ्योरीज में यूज हो जाएगा, वो ये कि जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जितना हम इसकी क्वांटिटी में ज्यादा इजाफा करते हैं, उतना इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, या जिसको आप कहें कि आने वाले जो बढ़ने वाले जो यूनिट्स है जिनका आप यूज अभी कर रहे हैं, तो उन यूनिट्स की यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के वैल्यूज है, और यही कुछ हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं जब हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वांटिटीज है, ये पहला यूनिट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, राइट। तो अब हम इनसे जो है टोटल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी, आपने पहला यूनिट जो इस्तेमाल किया तो आपको 10 यूटिलिज यूटिलिटी हासिल हुए। जब आपने दो यूनिट्स कंज्यूम किए, राइट, एक तो आपका ये हुआ, पहले ही 10 हासिल हुए थे, अब और 8 हासिल हुए, तो दैट मीन्स इट बिकम्स 18। अभी आपने पहले ही 18 यूटिलिज जो है आपको हासिल हुए हैं, तो तब जाके आपने 6 फर्दर हासिल किए, तो कितना हुआ? तो ये 24 हुआ। अभी 24 आपको हासिल हुए हैं, तब जाके 4 इस यूनिट की और 4 यूटिलिटी आपको हासिल होती है, तो 28 बन जाता है, और फिर इसी तरह ये 30 पे आ जाता है, फिर 30 पे ही रह जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि इससे तो आप में कोई फर्क पैदा ही नहीं हुआ, आपका खाना ना खाना कोई वैल्यू नहीं रखता था उस वक्त। लेकिन ये वाला यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपको ये पहले ही एहसास था कि भाई इससे गड़बड़ होने वाली है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपके ना चाहने के बावजूद जो है आपको ये किसी वजह से ये कंज्यूम करना पड़ा, तो इससे आपकी जो है इससे डिस यूटिलिटी पैदा हो गई, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। अभी आप 30 यूटिलिटी टोटल में आपको हासिल हुई थी, तो अब क्या होगा कि ये 28 पे पहुंचेगी, राइट। तो ये हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस इज आवर व्हाट, टोटल यूटिलिटी। अब हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा है एवरेज यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज यूटिलिटी का मतलब हुआ कि ये जो टोटल यूटिलिटी है इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, यानी कि सिंपली टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ, वो तो 10 हुआ, ये एवरेज यूटिलिटी है, राइट। 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 9 हुआ। 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, ये 8 हुआ। तो इसी तरह 28 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हुआ 6, नो सॉरी ये 7 हुआ। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, ये 6 हुआ। 30 डिवाइडेड बाय 6 5, और फिर यहां पे 4 पे आ जाते हैं,
तो ये हमारे एवरेज वैल्यूज हैं यूटिलिटी के. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. ये हमारा कंसेप्ट है यूटिलिटी के बारे में. और ये जो हमारे कंसेप्ट है इनको हम आगे जाके जो मुख्तलिफ थियोरीज है डिमांड की, कंज्यूमर बिहेवियर की, तो उसमें इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली हम जो है इसका जो है हम इस्तेमाल करेंगे. तो अभी जो मैंने यहां पर वैल्यूज दिखाए मार्जिनल यूटिलिटी के, फिर टोटल यूटिलिटी के, तो हम उनको यहां पे एक ग्राफ में डालते हैं. तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी है. यहां पे जो यूनिट्स है 5, 10, 15, 20, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है. यहां पे जो यूनिट्स है वो है 2, 4, 6, 8 और 10, 12. तो यहां पे क्या होता है कि हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता है. जैसे कि आपने वहां पर देखा कि 30 जो है हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी थी, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 30 हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी है. तो ये 5 और 6 के दरमियान है. इट इज बिटवीन 5 एंड 6 आप इसको कह सकते हैं. तो क्या होता है कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा जीरो जो है वो 6th यूनिट पे आता है. तो यहां पे हमारा जीरो है मार्जिनल यूटिलिटी में, ये हमारा यहां पे मैक्सिमम पॉइंट है. क्योंकि इसके जीरो के बाद जो है नेगेटिव वैल्यूज हो जाते हैं, तो वो उसको जो है टोटल यूटिलिटी के वैल्यू को रिड्यूस करते हैं. तो ये हमारा ग्राफ बनता है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के लिए. जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इस मार्जिनल यूटिलिटी वाले ग्राफ का काफी इस्तेमाल होता है. क्योंकि हमारा जो एनालिटिकल यूजुअली फ्रेमवर्क होता है, यानी कि जिस तरीके से हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं या ये देखते हैं कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, तो उसमें हम मार्जिनल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं. तो इसलिए इस ग्राफ का काफी इसमें जो है इस्तेमाल होता है. तो ये वाला हमारे लिए आगे जाके इंस्ट्रूमेंटल साबित होगा. यहां पर आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं. Do subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.